जी आप सभी को पुनः आईटीआई टेक्निकल स्किल्स वन में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, जो कि थंबनेल पर आप देख चुके हैं पहले से ही, सेट स्क्वायर के बारे में इसमें इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। और सेट स्क्वायर का शेप कैसा होता है, शेप स्क्वायर से कितने डिग्री के मल्टीपल में कोण बनाए जाते हैं, सेट स्क्वायर किन किन शेपों में पोजिशन में सेट किए जाते हैं, उनसे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और AMCVT के द्वारा आपके दिए गए जो टॉपिक है वहाँ भी इन क्वेश्चन को, तो वहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे और यहाँ से आपको थ्योरीज को बता रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट स्क्वायर जो होता है वो एक सेट में कितने पीस होते हैं। तो एक सेट में आपको दो सेट स्क्वायर होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेट स्क्वायर ये है और एक दूसरा यहाँ पर है। इस सेट स्क्वायर में देखेंगे तो इस सेट स्क्वायर का नाम होता है 45 डिग्री एंगल, जो कि आपको लिखा हुआ है 45 डिग्री 45 डिग्री। इसका 45 डिग्री 45 डिग्री का सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और ये वाले जो राइट साइड में है इसको हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री के सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। एक सेट स्क्वायर में दो पीस होता है, यानी कि पेयर में ये उपलब्ध होते हैं। सेट स्क्वायर जो होता है वो सेट करने से पहले इस पे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि सेट स्क्वायर किन शेप में होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेट स्क्वायर जो होता है कि एक ट्रायंगल शेप में उपलब्ध होता है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सेट स्क्वायर कितने कितने डिग्री के उपलब्ध होते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 45 का सेट स्क्वायर होता है और एक 30-60 का सेट स्क्वायर होता है। ये दो क्वेश्चन हुए यहाँ से। और इसके बाद आप देखेंगे कि सेट स्क्वायर के क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल दी हुई है ये एंगल वहाँ पे पोजीशन पे सेट करके नहीं दी गई होती। तो हम देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल का एंगल जो होता है, सम ऑफ ट्रायंगल एंगल, तो वो आपको 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री का एक एंगल होता है तीनों कोणों का। जैसे मान लिए कि कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा। इसी तरह से इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे तो 90 डिग्री है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको इसी चीज़ को समझते हुए आगे चलना है। एक एंगल हमने यहाँ पे सेट कर लिया इस प्रकार से और पूछा इससे कि आप बताओ कि यहाँ का एंगल कितने डिग्री होगा, यानी कि यहाँ एक एंगल ऐसे हम सेट किया, यहाँ पर पूछा कि अल्फ़ा का मान कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 45 डिग्री है और यहाँ पे दूसरा एंगल नहीं लिखा है, जबकि ये वाला एंगल यहाँ पे घूम के आया है और ये नीचे वाला एंगल है वो यहाँ गया है। इस तरह से आगे चलते हुए देखेंगे तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना। तो आप देखेंगे कि 45 डिग्री प्लस कितना, 30 डिग्री इक्वल टू 180 में से आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 45 और 30 75 डिग्री, तो ये 180 में से 75 घटाएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से 105 डिग्री आएगा। 105 डिग्री का यहाँ पे जो कोण बना था वो 105 डिग्री का कोण होगा अल्फा का, 105 डिग्री। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सेट करके पूछे जा रहे हैं इसमें। और सेट स्क्वायर से हम 15 डिग्री के अंतराल पे क्वेश्चन जो है कि बना सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे सेट स्क्वायर बना किस चीज़ का होता है, तो सेट स्क्वायर बना होता है सेल्युलॉइड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। अब चलते हैं हम ये सेट स्क्वायर के अलग अलग पोजिशन पर, कि अलग अलग पोजिशन में सेट स्क्वायर किस तरह से उपलब्ध होते हैं, इस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि सेट स्क्वायर जो है उपलब्ध किस होता है, किस प्रकार से। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सेट स्क्वायर में आपका ऑप्शन दिया है 4 ठो। कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ए सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के कोण होते हैं कितने कितने डिग्री के। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए में 30-60 डिग्री, डैश 45-45 डिग्री। इस तरह से आपके चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पहला आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। बाकी ये चार ऑप्शन जो हैं कि गलत हैं, 20-30 के नहीं होते हैं, 45-25 के नहीं होते हैं और 45-65 के नहीं होते हैं, इसलिए ये पहला। दूसरा क्वेश्चन पे अब यहाँ पे देख रहे हैं सेट स्क्वायर किस शेप में उपलब्ध होता है, यानी कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है, ये होता है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार होता है, आपको पहले ही हमने बताया हुआ था। नेक्स्ट में आप देखें तो चलिए क्वेश्चन आपका अगला निकल रहा है कि विच टूल्स इज यूज फॉर मेकिंग एंगल एट इंटरवल ऑफ 15 डिग्री इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस अभियांत्रिकी में 15 डिग्री अंतराल पर कोण बनाने के लिए उपयोगी उपकरण होता है। स्केल का प्रयोग माप लेने में और यहाँ पे टी स्क्वायर का जो होता है कि राइट एंगल चेक करने में लेते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर बनता है यहाँ पे बी नंबर जो सेट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सेट स्क्वायर मेक डिफरेंस एंगल व्हाट इज द एंगल ए ऑफ ए 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर, यानी कि 30-60 के सेट स्क्वायर दिया गया और इसमें पूछा गया कि ए का वैल्यू क्या होगा जो कि ये यहाँ पे दर्शाया गया है। आपको ये पता है कि ये वन एक स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें 180 में आपको यहाँ वाला जो एंगल दिया गया है ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 30 डिग्री यहाँ से टेक करेंगे तो 150 डिग्री होगा, यानी 150 डिग्री यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन आप ऊपर से पढ़ लेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला दिया गया इसका 45 डिग्री का एंगल है, दूसरा ऊपर दिया गया है वो वाला एंगल आपको यहाँ पे 30 डिग्री और इधर 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे 30 डिग्री, 45 और 30 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री आप 180 में से घटा लेंगे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 5 इसमें जोड़ेंगे तो आपको 80 हो जाएगा, यानी कि 105 डिग्री का यहाँ पे एंगल होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30-60 का सेट स्क्वायर सेट किया गया है और पूछा गया है कि अल्फा ए का मान बताइए, तो आप यहाँ स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यहाँ पे एंगल जो होगा 180 डिग्री का टोटल होगा, 180 में आपको यहाँ का एंगल जो दिया है सेट स्क्वायर में वो 60 डिग्री है, तो इसमें से आप 60 डिग्री घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो भी आंसर होगा वो आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट स्क्वायर को सेट किया गया 30 और 60 डिग्री का, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 45 और 30 60 दोनों का सेट स्क्वायर सेट किया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगल क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है इस तरह से वो आपको 30 डिग्री है, ऊपर से एंगल जो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री है और ये वाला एंगल जो बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बचा हुआ जो एंगल है यहाँ पे आपको निकालना है, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 जोड़ेंगे तो 100 अब देख सकते हैं 90 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा, और 150 में हम क्या ऐड करेंगे कि 180 हो जाएगा, तो 30 डिग्री हम ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि यहाँ पे पूछा गया आपको कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे होगा और दूसरा जो एंगल बन गया दो तो ये 45 डिग्री और नीचे की तरफ 45 डिग्री का होगा, तो इसके बाद का एंगल पूछा जा रहा है कि यहाँ का एंगल क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट एंगल में से आपके 180 डिग्री में होगा और 180 में से आप यहाँ से 45 डिग्री घटा लेंगे तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, घटा के देख लेंगे, यानी कि यहाँ पे 135 डिग्री आंसर हो जाएगा, जोड़ कर देख सकते हैं 135 और यहाँ से 40 और ये 40-80, यानी कि 135 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। तो आपने देखा यहाँ पर कि कुल आपके 8 क्वेश्चन बने सेट स्क्वायर से रिगार्डिंग, और ये आपके सामने सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग 45 डिग्री सेट को, ये 30-60 का सेट स्क्वायर होता है। तो आपने देखा ये वीडियो, मैंने सभी पर थ्योरी भी बताया, सेट स्क्वायर दिखाया और आपको क्वेश्चन को एनालिसिस भी कराया, तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो और आंसर आपको 100% हो रहा है, आप दे पा रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि सभी अपडेट आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए